किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फूल गोभी और पत्ता गोभी के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फूल गोभी और पत्ता गोभी के ऊपर कौन से कीट एवं रोग आते हैं, उसके रोकथाम के लिए, उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं कि फूल गोभी और पत्ता गोभी में कौन से ऐसे प्रमुख कीट है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। कीट की अगर हम बात करें तो माहू, गोभी सेमिल ऊपर, डायमंड बैक मौत और गोभी के ऊपर आने वाली तंबाकू इल्ली, ऐसे चार प्रमुख कीट है जिसका हमें नियंत्रण करना है। अगर बात हम माहू की करें तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी में नीले एवं पीले चिपचिपे जाल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कितने लगाने चाहिए? पीले 13 एवं नीले 12 एक एकड़ के लिए हमें अपने खेत में लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से कीटनाशक का हमें छिड़काव करना चाहिए माहू के नियंत्रण के लिए। कीटनाशक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है धानुका कंपनी का अरेवा कीटनाशक, जो हमें लेना है 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाना है और एक एकड़ फसल के ऊपर छिड़काव करना है। इसमें दूसरे कीटनाशक की बात करें तो बायर कंपनी का कॉन्फिडोर जो कीटनाशक है वो भी हमें 100 ml लेना है, 200 लीटर पानी में मिलाना है और एक एकड़ क्षेत्र के ऊपर इसका छिड़काव कर देना है। इस तरह से अगर आप पूरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हो तो फूल गोभी और पत्ता गोभी में माहू कीट का नियंत्रण बहुत ही आसानी से हो जाता है। चलिए बात करते हैं गोभी सेमिल ऊपर, डायमंड बैक मौत और गोभी के ऊपर आने वाली तंबाकू इल्ली के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके एकीकृत नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें, जैसे मैंने कहा, चिपचिपे जाल लगाना है, पीले एवं नीले लगा दिए, इसमें 13 पीले ले लिए, नीले हमें 12 लेने हैं, एक एकड़ के हिसाब से 25 चिपचिपे जाल लगा देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फेरोमेन ट्रैप लगा देना है। कितने लगाने हैं? एक एकड़ में कम से कम 8 से 10 फेरोमेन ट्रैप आपको लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक कीटनाशक की। कौन से ऐसे कीटनाशक हैं मार्केट में जो आपको बहुत ही कम पैसे में गोभी सेमिल ऊपर, डायमंड बैक मौत और गोभी की तंबाकू इल्ली का नियंत्रण करके देंगे? कीटनाशक में सबसे पहला कीटनाशक है धानुका कंपनी का EM1, जो आपको लेना है 100 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाना है और एक एकड़ फसल के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। और इसमें दूसरा बहुत ही अच्छा कीटनाशक है FMC कंपनी का कोराजन, जो आपको लेना है 60 ml 200 लीटर पानी में मिलाना है और एक एकड़ फूल गोभी और पत्ता गोभी के ऊपर हमें क्या करना है, छिड़काव करना है। इस तरह से अगर आप आपके फूल गोभी और पत्ता गोभी में उपाय करते हो तो माहू, गोभी सेमिल ऊपर, डायमंड बैक मौत और आगे जाके गोभी के ऊपर आने वाले तंबाकू इल्ली का आप बहुत ही आसानी से कम खर्चे में जल्द से जल्द नियंत्रण कर सकते हो। चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं पत्ता गोभी और फूल गोभी में आने वाले प्रमुख रोग और उसके रोकथाम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारे पत्ता गोभी और फूल गोभी में मृदरोमी लसिता यानी अगर डाउनी मिल्डू का प्रकोप होता है तो उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको आनंद एग्रो केयर का जो डॉक्टर बैक्टोस फ्लूरो है उसको 1 लीटर लेना है, 200 लीटर पानी मिलाना है और एक एकड़ फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। अगर हम रासायनिक फफूंदनाशक की बात करें तो रेडेमल गोल्ड आप 400 ग्राम ले सकते हो, 200 लीटर पानी मिला सकते हो और एक एकड़ फसल के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से अगर नियंत्रण करते हो तो बहुत ही कम खर्चे में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं अगर फूल गोभी और पत्ता गोभी के ऊपर आद्र गलन की समस्या आती है तो इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम रोपाई कर रहे होते हैं उसी टाइम हमें क्या करना है, अपनी जो रोपाई है उसको उपचारित करना है फफूंदनाशी के साथ। फफूंदनाशी में आप कार्बन डेंजिम ले सकते हो, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर एक घोल बना सकते हो और इस घोल में अपनी रोपाई के जो जड़े हैं उसको डुबाना है और उसके बाद में अपने रोपाई के साथ प्लांटेशन करना है। इसके बाद रासायनिक फफूंदनाशी में रेडोमिल गोल्ड जो फफूंदनाशी है उसको हमें 400 ग्राम लेना है, 200 लीटर पानी में मिलाना है और ड्रिप से चला देना है या फिर आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। इसके बाद अगर हम दूसरे रासायनिक फफूंदनाशी की बात करें तो रोको जैसा जो फफूंदनाशी है यानी इसमें थायोफिनेट मिथाइल 70% WP फॉर्मुलेशन में हमें मिलता है, इसका हमें 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिप से चला देना है या फिर हम ड्रेंचिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें फूल गोभी और पत्ता गोभी में आने वाले आद्र गलन रोग का नियंत्रण करना है।
अब बात करते हैं पत्ता गोभी और फूल गोभी में आने वाले अल्टरनेलिया काला धब्बा रोग का। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने ऊपर भी कहा था, आनंद एग्रो केयर का डॉक्टर बैक्टो जो फ्लोरो है, यानी इसमें हमें सुडोमोनस फ्लोरेंसिस मिलता है, 1 लीटर लेना है, 2 लीटर पानी मिलाना है और अपनी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। अगर हम फफूंदनाशी की बात करें, रासायनिक फफूंदनाशी की बात करें, तो रोको हमें 400 ग्राम लेना है, पर 200 लीटर पानी मिलाना है और 1 एकड़ फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि फूल गोभी और पत्ता गोभी में अगर तना सड़न जैसी समस्या आती है तो इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले रोपाई करते समय हमारी रोपाई हमें उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप कार्बनडेन जैसा जो कवकनाशी है 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर इसमें रोपाई के जड़े डुबाएँ और उसके बाद में रोपाई का प्लांटेशन करें। दूसरा इसमें हमें क्या करना है, रासायनिक जो कवकनाशी होते हैं इसमें रेडोमिल गोल्ड हो सकता है, वो आप 400 ग्राम ले सकते हो, या फिर रोको जैसा कवकनाशी है वो भी आप 400 ग्राम ले सकते हो, 200 लीटर पानी मिला सकते हो, ड्रिप से चला सकते हो, दोनों में से कौन सा भी एक कवकनाशी लेना है। किसान भाइयों बातें बहुत ही आसान थी, मैंने मेरी तरीके से आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है। आज के वीडियो में हमने देखा कि फूल गोभी और पत्ता गोभी में कौन कौन से प्रमुख कीट और कौन से प्रमुख रोग आते हैं और उसके रोकथाम के लिए, उसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ कवकनाशी, कुछ कीटनाशी, कुछ जैविक उपचार या फिर कुछ फसल क्रिया मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आज की जानकारी, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक्स कमेंट शेयर करें और सबसे पहले बात, सबसे ज़रूरी बात, भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साइड वाला जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा है उसको दबाना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के ऊपर बात करने के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।